आजमगढ़ पुलिस ने 5 हवाला कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से 50 लाख रुपए, कूट रचित आधार कार्ड समेत 2-4 पहिया लग्जरी वाहन को बरामद किया गया है। पूरा मामला मुबारकपुर थाना क्षेत्र के बमहोर अंडरपास के पास का है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी शाहगढ़ की तरफ जा रहे हैं, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को बमहोर अंडरपास के पास से दबोच लिया। बता दें कि आरोपी सामूहिक रूप से हवाला कारोबार पर करते थे। थाना मुबारकपुर में 5 हवाला कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से 50 लाख रुपए बरामद हुए हैं, 2 लग्जरी वाहन बरामद हुए और फर्जी इनसे पहचान पत्र बरामद हुए हैं। ये लोग अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट्स जैसे आजमगढ़, गोरखपुर, बहराइच, देवरिया, अयोध्या, मऊ और जौनपुर में पैसे सप्लाई का काम आजमगढ़ से कर रहे थे। इनकी गिरफ्तारी करी गई है। सर्वप्रथम पुलिस को जब सूचना मिली कि कुछ आदमी भारी मात्रा में पैसा लेके जा रहे हैं मुबारकपुर से, तो इसमें गिरफ्तारी मोहम्मद अंजार व मोहम्मद आसिफ की करी गई और इनके पास से फर्जी आईएनटी कार्ड्स और 50 लाख रुपए बरामद हुए।